एक तो ऑलरेडी हमारे सारे कर्मचारी, ऑलमोस्ट सारे कर्मचारी डबल डोज ले चुके हैं, बूस्टर डोज कल से प्रारंभ हो गई हैं, तो हम इंश्योर करा रहे हैं कि हमारे सारे कर्मचारियों को बूस्टर डोज लग जाए, नंबर वन। नंबर दो, थानों में, पुलिस लाइन में, बैरिक्स में जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जा रहा है, तो सावधानियां पहले बरती जा रही थी वो सारी सारी पुनः उसी शक्ति से बरती जा रही हैं, जिससे हमारे सारे कर्मचारी स्वस्थ रहें और अच्छी ड्यूटी संपन्न कर सकें। और साथ ही साथ जो सरकार के दिशा निर्देश कोविड के बारे में जारी हुए हैं उसका भी हम लोग पालन करा रहे हैं। सर, इलेक्शन में जो पुलिस कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की एक व्यवस्था की गई है, अमूमन देखा गया है पिछले चुनाव में पुलिस कर्मियों को वो सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है वोट डालने के लिए, ऐसे में कैसे इंश्योर कराएंगे इस चीज़ को आप? देखिए, ये सारे जो कर्मचारी हमारे हैं उनको सबको बता दिया गया है और उसकी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत जो भी कर्मचारी अपना वोट डालना चाहेगा थ्रू पोस्टल बैलेट उसका को दिया जाएगा, वहाँ भेजा जाएगा उसको। इलेक्शन में सर रूल जो ब्रेकर होते हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई करनी मैंने कहा है? ना कि जितने भी रूल ब्रेकर हैं थ्रू होता है MCC से, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से थ्रू होता है, इसका 100% पालन कराया जाएगा। और इसके अलावा जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, ट्रबल मेकर्स हैं, जो लोगों को डरा धमका सकते हैं, चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं, एक एक को चिन्हित कर लिया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई उसी हिसाब से गैंगस्टर में करनी है, रासुका में करनी है, गुंडा एक्ट में करनी है, बावत कराना है, 113 का वारंट लेना है, क्या करना है वो कार्रवाई की जा रही है। और मैं कह सकता हूँ कि चुनाव 100% फ्री, फेयर, इम्पार्शियल और वायलेंस भी संपन्न होगा। थैंक यू। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके बारे में हमने कहा है कि इसका 100% पालन हो, हमारा हर पूरे क्षेत्र में इसके लिए टीमें भी बनाई गई हैं, लगातार काम हो रहा है। दूसरा, जितने भी ट्रबल मेकर्स हैं या ऐसे एलिमेंट्स जो चुनाव में किसी प्रकार का भी विघ्न डाल सकते हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो क्रिटिकल सेंटर्स हों, बनने में हमारे सेंटर्स हों, शराब का कहीं अवैध शराब की बिक्री ना होने पाए, महसूस ना हो, उसके लिए कार्रवाई लगातार जारी है। जो पुराने लोग उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, शराब का बनाते रहें, तस्करी करते रहें, उन पर भी हमारी निगाह है। अभी 2 दिन पहले भी एक बहुत अच्छी एक फैक्ट्री पकड़ी गई है, और पुराने 3-4 साल में जो ऐसे धंधों में लिप्त रहे हैं, हमने कहा है कि ऐसे लोगों की संपत्तियां जब्त होंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई गैंगस्टर में होंगी, और ये हम इंश्योर करेंगे कि किसी भी दशा में अवैध शराब की तस्करी या निर्माण या बिक्री जिले में नहीं होने पाएगी। इसी प्रकार से जो लाइसेंसी वेपन्स हैं काफ़ी हद तक जमा हो चुके हैं, मैक्सिमम जमा हो चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हुए हैं, उसका भी मैंने कहा है कि जल्दी अगले 3-4 दिनों में सारी जमा हो जाए। वारंटियों की तामीला है वो लगातार चल रहा है, बाकी जिला बदर में भी काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, मतदान केंद्रों का लगातार भ्रमण जारी है। अभी तैयारी के लिए 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी हमें जिले में आ चुकी है, तो आज से लगातार उसका भी भ्रमण होगा, अधिकारी लेके घूमेंगे। कुल मिला के ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि हर व्यक्ति, हर वोटर, हर मतदाता, कोई भी छोटा बड़ा जो भी हो, अपने मत का जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सके और चुनाव बहुत ही अच्छे माहौल में फ्री, फेयर, इम्पार्शियल एंड वायलेंस भी संपन्न हो।